हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम बात करेंगे आपके सामने राजस्थान में जो वैकेंसी निकली हुई है सीटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, उसका फॉर्म भर के देखेंगे कंप्लीट। मैं आपको फॉर्म बताऊंगा, उसमें वैकेंसी भी बता देता हूं जिसमें सीईटी की कितनी वैकेंसी, पटवारी में कितनी, सुपरवाइजर में सभी की कितनी कितनी वैकेंसी आई हुई है, कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल करियर एनसेस में सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात करेंगे आपके सामने सीईटी के बारे में, फुल डिटेल देखेंगे, फॉर्म भर के देखेंगे कैसे कैसे अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसके स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें, 22 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं, 21 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक रहेगी, ठीक है। इसके एग्जाम डेट होगी 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2023 के अंडर में इसका एग्जाम होगा। और इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में यहां पर हम देख लेते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 450 रुपए ने 450 रुपए प्लस ई मित्र सर्विस चार्ज होगा, जीएसटी जो भी लगेगी आपकी आपकी इसकी अंडर में पेमेंट होगी, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीलेन में होंगे 350 रुपए, एससी और एसटी बीपीएल राशन कार्ड वाले हैं उनके लिए 250 रुपए, करेक्शन चार्ज होगा 300 रुपए, ठीक है। पेमेंट मोड ऑनलाइन क्यूस मोड से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, रिटर्न एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, इसके बाद में होगा आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर देख लेते हैं, टोटल वैकेंसी है 2996 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें फीमेल सुपरवाइजर की कितनी वैकेंसी 176 पोस्ट है, जो भी ग्रेजुएशन बेस पे है, ठीक है, 18 से 40 साल एज लिमिट होनी चाहिए आपकी। पटवारी में 272 वैकेंसी है, ग्रेजुएट बेस पे है, ओ लेवल का आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है, वो ही अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट में यहाँ पर देख सकते हैं, 18 से 40 साल एज लिमिट होगी। जिलेदार में अभी कोई वैकेंसी नहीं दिखाई गई है, यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। प्लाटून कमांडर में बात करें तो 43 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन बेस पे है। तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए 198 पोस्ट है, डिग्री बेस पे सीए विद ओ लेवल का डिप्लोमा कर रखा है, तो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट भी यहाँ पर लिखी हुई है, 21 से 40 के बीच में होगी, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पर देखेंगे, जूनियर अकाउंटेंट 1923 वैकेंसी, इसमें बहुत बढ़िया वैकेंसी दिखाई गई है यहाँ पर, यदि आप इसमें एलिजिबल हैं तो अपना फॉर्म अप्लाई जरूर से करें, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे, सब जेलर जो सब जेलर है उसकी 49 पोस्ट है, ग्रेजुएशन बेस पे 18 से 40 एज लिमिट है। सुपरवाइजर थीसिस में कोई वैकेंसी नहीं दिखा रखी, होस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 335, ठीक है, यहाँ पर 335 वैकेंसी लिखी हुई है, ग्रेजुएशन बेस पे है, ठीक है। एज लिमिट 21 से 40 बीच है। तो गाइस, जैसा कि हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर ओपन कर रखा है अपने डिस्प्ले पे, ठीक है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अनुसार, ठीक है। यदि वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया जरूर से लाइक कर दो। अब मैं आपको फॉर्म भर के शुरू से दिखा देता हूँ कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने गूगल का होम पेज भी ओपन कर लिया है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे SSO, डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, SSO की साइट से अपना फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पर आपको ओपन करने का लिंक मिल जाएगा, राजस्थान सिंगल साइन, ठीक है। यहाँ से हम जैसे टाइप करेंगे आपके सामने एक नई टैब ओपन हो जाएगी, जैसे टैब ओपन होगी इसमें क्या क्या करेंगे वो भी मैं आपको खुलकर यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस तरह का टैब आपको, ठीक है, लॉगिन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज, यदि आपने SSO की साइट पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ से, ठीक है। यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो पहले वाली आईडी है वो यहाँ से आप लॉगिन करके कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लें, फिर अपने फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन टाइप कर देंगे, जैसे टाइप करेंगे सर्वर चलेगा आपके सामने इस तरह से, ये हमारा ओपन हो जाता है यहाँ पर इस तरह से, लॉगिन रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ से कर सकते हैं, सिटीजन, उद्योग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या NCERT से, या फिर आप जन आधार से भी आईडी बना सकते हैं, या फिर आप गूगल की आईडी से भी यहाँ से अपना नई यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करके बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास मैसेज आ जाएगा वो करने के बाद में, फिर हम क्या करेंगे लॉगिन कर देंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, इनको क्लोज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसको आपको यदि आप फ़ोन में फिल करेंगे अपना फॉर्म तो आपको मतलब पोर्ट्रेट मोड में अपना मोबाइल को रखना होगा। फिलहाल मेरा फ़ोन लैंडस्केप मोड में है, मैं अपने फ़ोन से क्रिएट कर रहा हूँ ये आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लॉगिन भी कर देता हूँ यहाँ से। तो गाइज, मैंने अपनी आईडी पासवर्ड भी फिल कर दिया, इसके बाद में लॉगिन कर देते हैं हम। जैसे ये सर्वर इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, जैसे ये ओपन होगा मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा यहाँ से।
ठीक है, आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो किस टाइप का ओपन पेज होगा वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। ठीक है, इस तरह से ये साइट ओपन हो जाती है आपके सामने, ये इस तरह से साइट ओपन है। फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी सारी ऐप्स देखने को मिल जाएंगी, सेकंड टाइम करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट टाइम के लिए इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से आप देख पाएंगे, तो आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे, इन एप्लीकेशंस में कौन सी आईडी हमें लॉगिन करनी होगी, कैसे क्या करना होगा। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर जैसे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद में आपको मिल जाएगा क्विक सर्च। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे REC, जैसे REC लिखेंगे वहाँ पर इस तरह से ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ये फर्स्ट वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल है हमारा, ये वाला उस देख पाएंगे रिक्रूटमेंट स्टैक 2, ये मतलब राजस्थान पुलिस के लिए, ग्रुप डी के लिए, इनके लिए है, अदर के लिए, और यहाँ पर सिविल पोस्ट के लिए, यहाँ पर हम प्रेस कर देंगे। जैसे प्रेस करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट वहीं पे पोस्ट ओपन होगी जहाँ से हमें फॉर्म अप्लाई करना है। इसको इस तरह से स्क्रॉल बार ऊपर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे माई एप्लीकेशन नोटिफिकेशन, इस तरह से देख पाएंगे। तो गाइज इस तरह से देख सकते हैं आप, माई एप्लीकेशंस भी देख रहे हैं, मिल रही है आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट भी। ठीक है, यहाँ से हमें थोड़ा सा स्क्रॉल बार ऊपर कर देंगे, यदि आपने पहले फॉर्म भरा हुआ है तो आपको अपना एप्लीकेशंस यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नया रिक्रूटमेंट अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET, हम CET का नया वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ से हम अपना अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर हमें ये वाला ऑप्शंस देख चूज कर लेना होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो अपना फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज इस तरह से ओपन भी हो जाता है। ये कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने नाम भी फिल नहीं किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैसे शो कर रहा है, इसका मतलब मैंने अपनी OTR फाइल है वो कंप्लीट कर रखी है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें बैक करके। ठीक है, तो गाइज हम बैक टू SSID पे यहाँ पर आ जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे रजिस्ट्रेशन पे। जैसे भी रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको OTR फाइल कंप्लीट कर लेना होगा, ये इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन हो जाता है। मैं आपको ओपन वही करके दिखा देता हूँ, इसमें OTR फाइल को ओपन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको यहीं पर ओपन करके दिखा दूँगा। ठीक है, ये सर्वर कुछ डाउन की वजह से इस तरह से ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो गाइज हमारा ये ओपन भी हो गया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर एक लाइन है RU राजस्थान रेजिडेंस कैंडिडेट है। ठीक है, आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस करें, वरना अदर वाले पे नो करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आधार से या जन आधार नंबर से कौन सी किसी से भी आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो ID में होगा आधार कार्ड या फिर जन आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी नंबर पे आपकी एक OTP जाएगा, OTP आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद में आपकी कंप्लीट ये जो डिटेल है ये ऑटोमेटिकली शो कर दी थी यहाँ पर, फिर आपको मेल ID और मोबाइल नंबर फिल करके उसको भी वेरीफाई कर लेना होगा ईमेल ID OTP से। ठीक है, वो फिल करने के बाद में ये डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, क्वालिफिकेशंस यहाँ पर देख पाएंगे, पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल्स, डोमिसाइल, एडिशनल कैटेगरीज, ये डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। इनको कंप्लीट करना चाहें तो कंप्लीट कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहें तो इनको ऑप्शनल में छोड़ दें, आगे वाले ऑप्शन में फिल कर लेंगे। हमें ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है OTR के लिए, इसको तो आपको कंप्लीट करना ही होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम बैक टू वहीं पर चले जाएँगे, बैक टू SSID पे अपने। ठीक है, वहीं से फिर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था अपने बैक टू SSID पे ओपन कर लेंगे। ओपन जैसे होगा हमारा रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाएंगे CET वाले ऑप्शन पे। ठीक है, ये हम यहाँ पर ओपन कर दिया, फिर यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल पे लिया, पोर्टल लेने के बाद में यहाँ से करेंगे अप्लाई नाउ पे। जैसे अप्लाई नाउ करेंगे कॉमन एलिजिबल टेस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो फॉर्म है उनको यहाँ से टैप कर देंगे। जैसे हम टैप करेंगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है आपको। तो गाइज इस तरह से हम जिसको स्क्रॉल बार ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद में अपना डाटा यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम,
मदर नेम कैटेगरी यहाँ से चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको चेंज भी कर सकते हैं, जनरल का रखा है मैंने तो ठीक है। आपको ओबीसी हैं तो ओबीसी जो भी कैटेगरी है उसी को सेलेक्ट करें। उसके बाद में इस तरह इंटरफेस देख सकते हैं, आपको यहाँ पर देख पाएंगे अप्लाइंग फॉर के लिए, यहाँ पर आपको नो करना होगा, मैंने जैसे नो कर रखा है यहाँ पर ठीक है। फिर अगला ऑप्शन है लास्ट वाला, यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होगा आपको कम्प्लीटली ठीक है। उसके बाद में फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको इसके नीचे वाले कॉर्नर में यहाँ पर ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में प्लेक सेलेक्ट धर्म, यहाँ पर सॉरी हमने एक ऑप्शन छोड़ दिया हिंदू धर्म के लिए यहाँ पर ठीक है। हम इन्हें यहाँ पर जैसे करेंगे ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन तो गाइज अपने हिसाब से आपका जो धर्म है उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। यहाँ पर टोटल धर्म देखने मिल जाता है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, अदर, पारसी, सिख ठीक है। तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं उसी को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ये करने के बाद में नेक्स्ट कर देंगे। तो गाइज यहाँ पर एक और नई बात देखने को मिल जाएगी आपको, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर। पहले इसमें ये कोई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता था व्हाट्सअप मोबाइल नंबर के लिए, अब इस बार नया ऑप्शन आ गया व्हाट्सअप मोबाइल नंबर फिल करने के लिए। आपका जो व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पर फिल करना होगा आपको, ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी अपने व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली। ये इसके अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे, यहाँ पर अपने व्हाट्सअप नंबर फिल कर देंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे डिटेल हम सेव कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। तो गाइज इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, यस कर देंगे हम ठीक है। जैसे यस करेंगे आपके सारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो गाइज अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं इस तरह से ठीक है। आपको नेशनलिटी ये चूज करना होगा, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से ये सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह काफ़ी सारे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। एक्सक्यूजमेंट का ऑप्शन है तो यस करें, वरना नो करें। यहाँ पर सपोर्ट्स का ऑप्शन है, इनको यदि सपोर्ट्स के पास खिलाड़ी के है आपके पास तो यस करना, वरना नो कर दें ठीक है। इस तरह से यहाँ पर डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो यस करें, वरना नो करें। अगला ऑप्शन है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है, कि आपकी पारिवारिक आर्षिक आय वार्षिक आय है जो 2.5 लाख से कम है या ज़्यादा है ठीक है। आपको यहाँ पर देखना होगा ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल समझने की बात है आपके सामने, 2.5 लाख से कम है या फिर ज़्यादा है, यहाँ पर ध्यान रखें। यदि कम है तो यस करिए, हाँ करना होगा ठीक है। उस समय जैसे आपको क्वालिफाई कर देंगे, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको इसका प्रूफ भी लेकर जाना होगा बनवा कर ठीक है, डिपार्टमेंट के थ्रू ठीक है। यदि फिर आपके पास यहाँ पर हम बात करें ज़्यादा है तो यहाँ पर इस तरह के अनुसार यहाँ पर अपने विचार से यस और नो का ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर आप देख पाएंगे ड्यू टू अप्लाई अंडर फॉलोइंग एम्प्लॉय कैटेगरी, क्या आप कर्मचारी के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर देखेंगे। यदि करना चाहते हैं यस करें, वरना नो करें। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट कर देंगे। तो गाइज ये ऑप्शन भी एक और नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको, एडिशनल एज रिलैक्सेशन ठीक है। यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन है ये, इसको हम ओपन करेंगे, इसके बाद में ये देखेंगे एक्स स्टेट गवर्नमेंट है, एक्स प्रिजनर है, एनसीसी कैडेट इंस्पेक्टर इंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर पंचायत समिति के अनुसार, यहाँ पर सबको अलग अलग देखने को मिल जाता है। इनमें से तो करें, वरना फिर नोट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पर कलर कर दें, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह का इंटरफेस चलेगा। जैसे इंटरफेस चलने के बाद में आपका अगला ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा ठीक है। हमारा एजुकेशन ऑप्शन वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन भी हो गया हमारा ठीक है। इसको शुक्र बार ऊपर कर देंगे। तो गाइज आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये वाला टिक ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, इस तरह से आपको मिलेगा टावा। अब मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, उसके बाद में जो एजुकेशन है आपकी ये आपको कंप्लीट करनी होगी, 10th 12th और ग्रेजुएट ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग जो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं आपके, यहाँ पर देखेंगे हम अपने सब्जेक्ट ग्रुप यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद में बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम भर देंगे, उसके बाद में अपने रोल नंबर फिल कर देंगे। यहाँ पर आपको रिजल्ट शो करना है, परसेंटेज है, या फिर यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ CGPA कर सकते हैं, ग्रेड कर सकते हैं, परसेंटेज, रिजल्ट अवेटेड या अपेयरिंग से भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज मेरे पास परसेंटेज क्वालिफाई है कंप्लीट, मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर रखा है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन एक और देखने को मिल जाता है, ईयर ऑफ पासिंग कब पास किया, उसके बाद में परसेंटेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है हमारी कंप्लीट परसेंटेज क्या क्या शो कर रखी है। उसके बाद में जैसे हम स्कूल बार पर करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे नेक्स्ट कर देंगे। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे
इस तरह इंटरफेस चलेगा आपके सामने। ये करने के बाद में आपको देखने को मिल जाता है सिटी के लिए, यहाँ पर जैसे हम इसको स्क्रोल अप पर करेंगे इसके बाद में फ़ोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। फ़ोटो की जगह फ़ोटो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है, यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं, ठीक है, हम यहाँ पर अपने कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, नेक्स्ट का ऑप्शन फिर आपको देखने को मिल जाता है, इस तरह से देख पाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है। ये देखने के बाद में आपको यहाँ पर डिटेल अपनी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपको फ़ी पेमेंट भी करनी होगी। इस तरह से स्क्रॉल बार कंप्लीट मैं आपको यहाँ पर ऊपर करके दिखा देता हूँ। कंप्लीट मैंने फिल भी कर दिया है, एजुकेशन डिटेल भी यहाँ पर है, ठीक है। नोट सबमिटेड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, फिर इसके बाद में ये डिक्लेयर करना होगा, यहाँ पर टिक कर लेना होगा, मैंने टिक कर दिया। उसके बाद में फाइनल सबमिट भी कर देंगे, फाइनल सबमिट करने के बाद में ये टिक कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, इसकी फ़ीस के बारे में देखने को मिल जाएगी, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ की कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिल जाती है, फ़ीस भी देखने को मिल जाती है। मैं इसको स्क्रॉल बार ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर आपको फ़ीस भी देखने को मिल रही है 450 रुपये प्लस, इसमें जो ई मित्र सर्विस चार्ज होगा वो अलग होगा इसमें, ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपको पे जैसे हम करेंगे उसके बाद में डू वांट टू पे क्लिक ओके, फिर हम इसके ओके कर देंगे, फिर ओके कर देंगे, ठीक है। जैसे हम ओके करेंगे अगला पेज ओपन हो जाएगा, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ओपन भी करके दिखा देता हूँ, ठीक। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर देख पाएंगे टोटल ऑटोमेटिकली फ़ी पेमेंट एक्स्ट्रा हो जाती है ना, 460 रुपये हो गए हमारा 450 की जगह, ठीक है। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं या फिर एग्रेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूज करेंगे अपना ऑप्शन यहाँ पर, फिर इसके बाद में यहाँ पर इस तरह से आपको अमाउंट जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। हम पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरह इंटरफेस चलेगा आपके सामने, ये हमारा ओपन हो जाता है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इसको जैसे हम स्क्रॉल बार ऊपर कर देंगे, ऊपर करने के बाद में अपने पेटीएम मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से क्लिक करके यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो गाइज हम यहाँ पर अपने जो डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उसका नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे 16 डिजिट का इस वाले कॉलम में, उसके बाद में एक्सपायरी डेट कर देंगे, उसके बाद में सीवी नंबर, यानी एटीएम कार्ड के बैक साइड में सीवी नंबर होता है 3 डिजिट का लास्ट नंबर, वो 3 नंबर का होता है, उसको यहाँ पर फिल कर देंगे, फिर हम पे कर देंगे। उसके बाद में अपने जो मोबाइल नंबर है अकाउंट से रजिस्टर्ड है उस पर आपके पास एक OTP आ जाएगा, ठीक है। OTP आने के बाद में आपको ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे या फिर इसे दोबारा लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद में फिर वहाँ से कहाँ से आपको प्रिंट आउट भी डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वहाँ से मैं आपको डेमो एक चेक करके वहाँ पर दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर इस तरह का आपका ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं पोस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के अनुसार अपनी पोस्ट का नाम यहाँ पर है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ साफ साफ देखने को मिल जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है, आपको एप्लीकेशन प्रिंटिंग डेट भी आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाती है। तो गाइस कुछ एक डिटेल मैं यहाँ पर छुपा देता हूँ, वहाँ पर किसी यूट्यूब की गाइडलाइन के अंडर में आता है, इस वजह से जैसे मैं इसको उसको ऊपर करके आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आपकी, ठीक है, फिर आपको इसको यहाँ से प्रिंट आउट भी देख सकते हैं इस तरह से। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डायरेक्ट ओपन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।